दोस्तों, हाल ही में क्या आपने सपने में अपनी सगाई टूटते हुए देखी है? या सपने में आपके हाथ में सगाई की टूटी हुई अंगूठी थी? या आप सगाई से जुड़े सपनों का सही अर्थ खोज रहे हैं? तो आज आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सगाई से जुड़े सभी सपनों के सही अर्थों को बताने वाले हैं। हमारे समाज में किसी व्यक्ति को तब परिपूर्ण माना जाता है जब उसकी शादी हो जाती है, और शादी के साथ ही उसकी जिंदगी में बहुत से अहम बदलाव देखने को मिलते हैं, और शादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सगाई। दरअसल सगाई का प्रचलन आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है। सगाई के समय वर वधु एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सपनों में अपनी या दूसरे की सगाई होते हुए दिखाई देती है। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि सगाई से जुड़े सपने शुभ होते हैं या अशुभ, तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सगाई से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपने में अपनी सगाई होते हुए देखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ जल्द मुलाकात करने वाले हैं। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और आपका जीवन आपके जीवन साथी के साथ बहुत सुखमय बीतने वाला है। पर यदि आप सपने में किसी अनजान व्यक्ति की सगाई होते हुए देखते हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक आप अकेले पड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह तो बात हुई सगाई से जुड़े सपनों के अर्थ की। चलिए अब सगाई से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप अपने हाथ में सगाई की अंगूठी देखते हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में नया प्यार दस्तक दे सकता है। आपका समय अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से गुजरने वाला है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके परिवार में खुशियों का माहौल बढ़ने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके हाथ में सगाई की टूटी हुई अंगूठी है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में समाज में आपकी हंसी होने वाली है। सपने में अपनी सगाई की सालगिरह देखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। साथ ही यह सपना दाम्पत्य जीवन में बढ़ने वाले प्रेम की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपकी सगाई टूट जाती है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपकी शादीशुदा जिंदगी में नई नई परेशानियां आती रहेंगी। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं और आप सपने में अपनी सगाई टूटते हुए देखते हैं, तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपके कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर आपकी लड़ाई हो जाएगी, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की ओर से आपको सगाई का प्रस्ताव आता है, और आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। साथ ही यह सपना किसी बड़ी चुनौती में एक बड़ी जीत की ओर संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। पर सपने में आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की ओर से आपको सगाई का प्रस्ताव आता है, और आप उस प्रस्ताव को मना कर देते हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अधिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप एक सगाई में शामिल होने जा रहे हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाएंगे जिससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप अपनी सगाई की घोषणा करते हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यह सपना पिता की ओर से मिलने वाले धन लाभ की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके परिवार वाले आपकी सगाई की घोषणा कर रहे हैं तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कार्य क्षेत्र में विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके सामने सगाई में पहने जाने वाली कोई ड्रेस जैसे गाउन आदि रखे हुए हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और इस सपने का यह इशारा होता है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके घर पर आपके सामने परिवार के लोग आपकी सगाई की बात कर रहे हैं तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार बढ़ने वाला है जिसके कारण आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। अगर आपको अभी तक बताए गए सपनों से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या आपको कोई विशेष सपना आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के बाद सही और पूरी तरह से सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।